अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि ये वापस तो आ गया है, लेकिन प्राइस इसकी अभी भी डाउन है। क्या अब हम कोई उम्मीद रख सकते हैं कि क्या ये जो है ना वो ऊपर आएगा, या फिर हम जो है ना वो यही कहें कि भाई ये कोइन जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब देखें, पहले अगर आप लोग मैं आपको ये बता दूँ कि आप ट्विटर लाजमी यूज़ करें। कोई भी आपका इशू हो, कोई भी अगर कोई भी चीज़ होती है बाइनेंस वालों की तरफ से या लूना वालों की तरफ से, तो वो ट्विटर पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड होती है। तो आप ट्विटर को, और मे बी जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अंदर बाइनेंस के अंदर, तो वो यकीनन उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो लोग न्यूबी हैं लेकिन यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप ट्विटर का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद अच्छी रख सकते हैं कि ये वापस आएगा। अब BTC भी इंक्रीज़ हो रहा है, इथेरियम भी इंक्रीज़ हो रहा है सोलो में भी, लेकिन BNB भी अच्छी परफॉर्म में है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डाउन हुआ है वो लूना ही था, लेकिन इनका कुछ पर्सनल इशू था। लेकिन अब लूना वालों की ऑफिशियल ट्विटर पर अगर आप लोग यूज़ करते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये वापस आ गया, रिन्यूज़ हो गया है। अब बाइनेंस पे आप देख सकते हैं कि जितने भी लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, अब पहले तो वो 0-0 था, लेकिन अब जो है ना वो प्राइस है नेगेटिव में है, लेकिन प्राइस अवेलेबल है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।